आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश में क्या कुछ हंगामा हो रहा है। वाराणसी में पेंशन बहाली को लेकर शिक्षकों का आंदोलन शुरू हो गया है। उनकी मांग है कि अगर उन्हें पुरानी पेंशन अभी नहीं दी गई तो फिर कभी नहीं दी जाएगी। इस मामले में अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ का कहना है कि सरकारी कर्मचारियों द्वारा पूर्व में की गई लंबी और सक्षमता पूर्वक सेवाओं द्वारा अर्जित धनराशि ही पेंशन है, इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसे पूर्व सेवाओं का लंबित वेतन कहा है और भी कहा है कि ये सेवा योजना द्वारा दी गई है, इसे भीख न समझी जाए, ये कर्मचारियों का अधिकार है जो उन्हें मिलना चाहिए। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर पुरानी पेंशन की बहाली के लिए और इसके अलावा आंदोलन कर रहे हैं। मुख्य मुद्दा उसमें पुरानी पेंशन की बहाली है, जो कि 2004 से सेंट्रल गवर्नमेंट ने और 2005 एक अप्रैल 2005 से प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या क्या है उसमें एक राष्ट्रीय संगठन हो आयोग का और पुरानी पेंशन है। इसके अलावा कुछ भी संगठन जो माना 8 अगस्त को हम लोगों का आज के तारीख में अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर 25 स्टेट के सभी जनपद मुख्यालयों के चल रहा है कार्यक्रम। 5 सितंबर को हम लोग प्रदेश मुख्यालय पे अपना धरना प्रदर्शन का और आंदोलन चलाएंगे और 5 अक्टूबर को हम लोग नई दिल्ली में जंतर मंतर हम लोग अपना आंदोलन करेंगे और जब तक मांगे हमारी पूरी नहीं होगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। जी हाँ, इसमें जितने भी हमारे शिक्षक संगठन हैं, चाहे माध्यमिक शिक्षक संघ हो, चाहे हमारे विशिष्ट बीटीसी वेलफेयर एसोसिएशन हो, उर्दू वेलफेयर एसोसिएशन हो, चाहे अनुसूचित जनजाति एसोसिएशन हो, यूटा अटेवा, सारे लोग हमारे साथ हैं और सारे लोग हमारे मंच पे बैठे हुए हैं और हमारे सारे शिक्षक यहाँ आए हुए हैं, सारे ये लोग हमारे साथ हैं। वाराणसी से सूरज सिंह की रिपोर्ट।